हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाना। पनीर को सबसे पहले टुकड़ों में काट लें, फिर उसको थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक उसको थोड़ा सा तलें। फिर एक कटोरी कटा हुआ प्याज, मिर्च 3 से 4 मिर्च, इनको काट लें और फिर मिक्सर में पीस लें। टमाटर को काट लें और उसका भी पेस्ट बना लें। मैंने इसमें बेटर टेस्ट के लिए मैंने इसमें मूंगफली दाने का पेस्ट बनाया है और उसको भी हम यूज़ करेंगे इसमें। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लीजिए, 1 चम्मच ऑयल लीजिए, फिर उसमें सारे पेस्ट डाल दीजिए, गार्लिक पेस्ट एंड ऑनियन पेस्ट, एंड इसको थोड़े देर ब्राउन होने तक इसको सॉल्ट कर लीजिए। ब्राउन होने तक उसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दें। फिर उसके बाद आप मसाला तैयार कीजिए। मसाले के लिए 1 चम्मच मसाला ग्रीन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, देन हल्दी 1 चम्मच। फिर उसके बाद आप पनीर मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, 1/2 चम्मच यदि उपलब्ध है तो। और फिर उसके बाद 1/2 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, अमचूर पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला डाल लें, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका भी पेस्ट बना लें। देखते हैं ऑनियन पेस्ट ब्राउन हो गया है तो इस मसाले को डाल देते हैं उसमें। फिर उसके बाद ये ग्राउंडनट का जो हमने पाउडर तैयार किया है उसको भी हम उसमें डाल देते हैं और इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। फिर उसके बाद टमाटर का पेस्ट है उसको भी डाल देते हैं और 5 से 10 मिनट के लिए इसमें हम इसको ढक के रख देते हैं। दोस्तों इससे बहुत ही बढ़िया ग्रेवी तैयार होती है। सो आप चाहें तो इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं या कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं यदि अवेलेबल है तो। और इसमें आप 1 कटोरी पानी डाल दीजिए यदि आप ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं चाहते हैं तो। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट बाद आप इसमें पनीर डाल सकते हैं, फिर उसको 2 मिनट बाद ढक के रख दें। फिर उसके बाद हमारा पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको कि मेरा पनीर कैसा बना है। दिखने में बहुत ही सुंदर पनीर दिख रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। दोस्तों आप भी इसको ट्राई करें, ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। धन्यवाद दोस्तों।